फिर जो कहना है वो सीधा कही है, ठीक है? कहना तो है ही, परंतु महाराज आप गुस्सा नहीं होंगे तो जल्दी बोलिए। हमें लगता है नेतृत्व के कारण ही सही, लेकिन बड़े लड़के को ही बड़ा अधिकार मिलता है और छोटा हमेशा छोटा ही बनकर रहता है, और इसलिए इसलिए हमें लगता है कि बंटवारा होना चाहिए। स्वराज्य का बंटवारा। महारानी जी, क्या हुआ? महाराज आ रहे हैं ना? नहीं, महाराज आज खाना नहीं खाएंगे। दूध भी महल में लाने की आज्ञा दी है। और राजकुमार शंभु? युवराज लिंगाने पर चले गए हैं। मतलब वे खाना खाने नहीं आएंगे? रानी सोयरा, आप बुला सकती हैं क्या महाराज को? आज ये काम हमसे भी नहीं होगा। बिटिया रानू, क्या आप जा सकती हैं? उनसे मीठी बातें करके उन्हें ले आइए। माताश्री, पिताश्री के सामने जाने का मन ही नहीं हो रहा। युवराज भी तो नहीं है, वरना वो महाराज को मनाने की कोशिश कर लेते। ताईसा और बालराजा हमारे महल में ही हैं। बालराजा कह रहे हैं कि अपने भैया के साथ ही खाना खाएंगे। पर राजकुमार शंभो लिंगाने क्यों गए हैं? कह रहे थे फौज का कुछ काम आ गया है, अभी आते ही होंगे। माताश्री, आप यूं भरी हुई थाली से मत उठिए। माताश्री, मेरी बात तो सुनिए। माफ कीजिए बहुरानी, पर हमारा मन ही नहीं मान रहा। रानु दीदी, आप तो खा लीजिए। इन सब बातों की हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। भाईचारे में भागीदारी का विषय ऐसा हमारे सामने छुपे दुश्मन की तरह आएगा, ऐसा हमने सोचा नहीं था। सोयरा रानी जी ने आज बहुत गलत किया, लेकिन इसके पीछे किसी और का हाथ है, यह बात तय है। मूल रूप से ऐसी विचारधारा सोयरा रानी जी की नहीं है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ये बंटवारा इतना आसान नहीं जितना लगता है। कल अगर शंभु राजा इस प्रस्ताव से बिखर गए तो इस प्रस्ताव से वो अपमानित महसूस करने लगे तो, या फिर उन्होंने दक्षिण का राज्य मांग लिया तो, यानी कि दूरियां आना निश्चित है। पर अब हम रानी मां को क्या कहेंगे? साई भाई को क्या बताएंगे? उन्हें जो वचन दिया था उसका क्या होगा? हमारी गैर हाजिरी में आप शंभू का ख्याल रखेंगे। उन्हीं के मामले में हर एक बात विपरीत हो जाती है, इसी बात का हमें दुख होता है। शंभू राजा को जीतने वाला दक्षिण का प्रदेश दे दिया जाए और हमारे बाल राजा को यह स्वराज्य दे दिया जाए। सोयरा रानी जी की सबसे बड़ी गलती
यह तो शंभु राजा को वनवास में भेजने जैसा होगा। हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि ये भाई बंटवारे के भेड़िए घर में आए कहां से, ये कौन से झुंड का है। इतनी कड़ी व्यवस्था, इतना कड़ा पहरा होते हुए भी कौन है जो वो घर में आ गया है? कौन है ये, कैसे आया, कौन सा रास्ता खुला रह गया? हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयां की, बड़े बड़े शत्रुओं का सामना किया, लेकिन कभी डगमगाए नहीं। लेकिन आज युवराज शंभु राजा और राजा राम राजा, इनमें झगड़ा हुआ तो? अगर हम बंटवारा करने से मना कर दें तो? लेकिन कल फिर से यह मुद्दा उठेगा, तो अब इस विषय का समझौता करें कैसे? रानी मां, बहुत जल्दबाजी की आपने, आपके बगैर हम अकेले हो गए हैं। लीजिए, आज आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आज हमें दूध नहीं चाहिए। मलाई नहीं है, निकाल दी है हमने। सच में नहीं चाहिए? क्या फैसला किया है आपने? ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। पिताश्री ने क्या सोच के यह निर्णय लिया? बिखर गए हैं हम। आप हौसला रखिए युवराज, पिताश्री कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। इस बंटवारे के प्रस्ताव के पीछे जरूर कोई ना कोई ठोस वजह होगी। हमें ऐसा नहीं लगता। येसु, जब पिताश्री ने बंटवारे का प्रस्ताव हमारे सामने रखा ना, तब उनकी आंखों में हमें दर्द नजर आया। पिताश्री को बेशक इस बात की तकलीफ हुई होगी। नहीं तो मतलब हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसा ही है येसु। पिताश्री ने आज भोजन भी नहीं किया। पिताश्री ने भोजन नहीं किया, इसका यह अर्थ है कि बंटवारे का विषय पिताश्री को आनंद देने वाला नहीं है। फिर भी पिताश्री ने इस प्रस्ताव को हमारे सामने रखा। वही तो युवराज, आपने क्या सोचा है इस बंटवारे के बारे में? क्या लगता है आपको? बंटवारा, येसु, बंटवारा यह विषय ही मूल रूप से बुरा विषय है। हमें यही लगता है कि बंटवारा यानी दुश्मनों की फौज, दोनों हाथ में धारदार तलवार लेकर घर में घुसने वाली, मन काटने वाली, भावना नष्ट करने वाली, रिश्ते में दरार डालने वाली, सर फोड़ने वाली। येसु अपने लोगों को नीचा दिखाने वाली सोच यानी कि बंटवारा। युवराज, हंसता खेलता घर बिखर जाता है इस बंटवारे से। येसु, जिस समय ये बंटवारे का विषय घर में आता है ना,
उसी समय से घर का अपनापन, एकजुटता की भावना घर से निकल जाती है। इसीलिए हम इस बंटवारे के खिलाफ हैं। हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन युवराज, क्या आप पिताश्री के फैसले के खिलाफ जाएंगे? येसु, पिताश्री के खिलाफ हम कभी जा सकते हैं क्या? फिर भी एक बार हम उनसे बात करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। पिताश्री आपकी बात नहीं सुनेंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ विचार करके ही ये फैसला लिया होगा। ये तो सच है, लेकिन येसु बंटवारा यानी कि घर के ही अंदर कई और दीवारें खड़ी हो जाना होता है, जैसे कि निंदा, ईर्ष्या, स्वार्थ, द्वेष, गुस्सा, लोभ का निर्माण करने वाली दीवारें, और यही दीवारें घर में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल कर देती हैं। कल तक का महसूस होने वाला अपनापन आज अचानक से पराया हो जाता है। हम बंटवारा चाहते हैं और वो मिल जाता है, लेकिन खुशियों के रास्ते बंद हो जाते हैं। घर की मुस्कुराहटें रोने लगती हैं और रोना जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ पल भर में हमें ऐसा लगता है कि हम आजाद हो गए हैं, अब हर जगह सिर्फ अपना अधिकार होगा, लेकिन कुछ पल भर के लिए ही। दूसरे ही पल में हमें अकेलापन महसूस होने लगता है। सगा भाई प्यार भरा साथ दे, वही लाखों मोल वाली बात है। उसकी तुलना नहीं कर सकते। सच कहा आपने। येसु, ऐसा कहा जाता है कि प्यार के बिना हम अधूरे हैं, इसीलिए प्यार जरूरी है। और स्वराज्य में तो रानी मां ने पिताश्री के साथ सोने का हल चलाकर प्यार की मिट्टी भूरी कर रखी है, स्वराज्य में एकजुटता बढ़ाने के लिए। इसीलिए स्वराज्य में बंटवारा होना भयानक होगा, इसमें किसी का भला नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं ना, हम उससे बिल्कुल सहमत हैं। पर जरा सोचिए कि पिताश्री के मन में ये ख्याल आया कहां से? वही तो समझ नहीं आ रहा है येसु। मुहिम की लगभग सब तैयारी हो चुकी है, घोड़े लगाम कसकर तैयार थे, फौज जाने के लिए तैयार थी, और अचानक से ये सब। हमें तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। दादा साहब। बाल राजा, आप सोए नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोए ना अब तक। हम आपसे बड़े हैं ना, आप तो छोटे हैं, और छोटे लोगों को जल्दी सोना चाहिए। हम सोने वाले थे, पर किले पर हर जगह बंटवारे की बातें हो रही थी। आप उन बातों पर ध्यान मत दीजिए, आइए। आइए, गोद में सुलाते हैं आपको। पर दादा साहब, बंटवारा मतलब क्या होता है? बंटवारा अच्छा नहीं है क्या? नहीं, आपको किसने बताया कि बंटवारा अच्छा नहीं होता? बाल राजा, बंटवारा अच्छा होता है। अच्छा होता है ना? अभी यही देख लो ना, ज्ञान बांटना तो अच्छा ही होता है ना? ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इतना ही नहीं बल्कि सुख प्रसारणात लोके निश्चयम सुख वर्धते दुखम गोपनीयत्वम स्वल्पम भवति सर्वदा। सच है, खुशियां बढ़ती हैं और दुख खत्म हो जाता है। देख लिया, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम हो जाता है, होता है ना? जैसे प्रेम बांटने से बढ़ता है, स्नेह बांटने से बढ़ती है,
हमारे पास एक ऐसी कहानी है कि जिसमें एक तिल सात भाइयों ने बांट के खाया था। एक तिल? इसीलिए बांट के खाने से आनंद मिलता है बाल राजा। सिर्फ हमें अपनी अच्छाइयां बांटने आनी चाहिए, खुद को बांटना आना चाहिए। पिताश्री ने क्या किया? उन्होंने खुद को बांट दिया है ना। मतलब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रजा के कल्याण के लिए बांट दी। शक्ति बांटी, हिम्मत बांटी, विचार बांटे, हर एक महत्वपूर्ण पल बांटे। और रानी मां ने भी तो वही किया। उन्होंने उनकी जिद, अटलता, निर्भयता सारी प्रजा में बांट दी और इसी वजह से प्रजा के मन में आत्मसम्मान का रायगढ़ खड़ा है। हमारा रायगढ़ उसी वजह से खड़ा है क्या? उसी की वजह से खड़ा है। पाल राजा, चलिए अब सो जाइए, हम आपको माताश्री के महल में लेकर चलते हैं। चलिए। नहीं, गोदी में सुलाने का वादा किया था ना आपने। देखिए, बहुत समय हो गया है और रात भी हो चुकी है, माताश्री आपकी राह देख रही होंगी। चलिए। माताश्री भी अकेले ही बैठी हुई हैं। चलिए। आपका बहुत लाड प्यार हो रहा है। हाँ, आपका नहीं होता क्या? बाल राजा, देखिए ना युवराज, अभी हम लोरी सुने बगैर नहीं सोएंगे। सुनाइए ना। एक शब्द बोलना कठिन हो गया है और यहाँ लोरी की जिद हो रही है। अब ये लोरी आपने हमें सुनाई है ना? मतलब? यही लोरी रानी माँ आपके लिए गाया करती थी ना, वही लोरी आप हमारे लिए गा रहे हैं। हाँ बाल राजा, वही लोरी, वही समय और वैसा ही सुंदर बच्चा। आइए गाइए ना। क्या कुछ सुना है क्या आपने राहु जी पंत? नहीं। तो भी निर्णय क्या लेने वाले हैं आपके शंभू राजा जी, कुछ अंदाजा है? शंभू राजा हैं वो शतरंज में माहिर, मिर्जा राजा जैसे खिलाड़ी को भी मात दी थी उन्होंने। हाँ बिल्कुल, सच में तो बुद्धि भ्रष्ट होने से बच गया था वो मिर्जा राजा। राव जी पंत, इन सभी चीजों पर भी ध्यान दिया जाए, तो भी क्या निर्णय लेने वाले हैं शंभू राजा जी, कुछ अंदाजा? शंभू राजा किला नहीं छोड़ेंगे। हमें भी तो ऐसा ही लग रहा है।
आपको क्या लग रहा है सुरनीश जी? मैं क्या बोलूं, आदमी एक स्वभाव अनेक, उनके दिल की बात कैसे जानूं? पर हमें लग रहा है कि महारानी जी रायगढ़ छोड़ के जा नहीं सकती। सभी को फायदा हुआ है, परंतु सोच लीजिए, शंभू राजा जी बंटवारे में रायगढ़ किला मांगे तो? शंभू राजा अगर किले पे रुकेंगे तो हमारा फायदा कितना? और अगर वो कर्नाटक गए तो उनका फायदा कितना और हमारा नुकसान कितना? जिन्होंने कभी पक्ष विपक्ष का सोचा तक नहीं। महारानी जी ने अपनी पूरी जिंदगी स्वराज के लिए अर्पण कर दी, उन्हें दुख देकर अपना लाभ नुकसान ये सोच रहे हैं आप लोग? निराजी पंत, बस कोई हमें बुलाए भी नहीं और हमारा नाम भी ना लिया जाए। आप सभी के सभी कपटी हो, परंतु हमने ऐसा कपटी जैसा क्या किया है? आपकी इस बात से महाराज जी को कितनी तकलीफ होगी, कभी सोचा है आपने? निराज पंत, आपको गलत फहमी हो रही है। बंटवारे के निर्णय से हम पंतों का कोई लेना देना नहीं। किसने कहा महाराज जी से? महारानी जी, चाहे तो पूछ लीजिए, जांच पड़ताल कीजिए। और आपको यह बात किसने कही? अगर हम आपसे पूछे तो क्यों किसी को बोलना चाहिए? कई बातें समझ में आती हैं, इसलिए ये सब कहना सुना बंद कीजिए, ये अच्छा नहीं है। कल महाराज जी ने भोजन तक नहीं किया। कल पहली बार इस रायगढ़ में हमारे भगवान भूखे रहे। जिन्होंने पीड़ित महाराष्ट्र को निवाला खिलाया है वो भूखे रहे। जिन्होंने मरे हुए महाराष्ट्र में अच्छे इस बेजान राज्य में जिन्होंने बीज बोए और नई सांस भी फूकी, हमारे उन महाराज जी को परेशानी झेलनी पड़ी है। वो गुमसुम हो गए हैं। कहीं ना कहीं तो आप गलत साबित हो रहे हैं। महाराज जी को अच्छी तरह से समझ लीजिए, वो बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। बीच में दखलअंदाजी मत करिए। अरे आप जैसे लोग उनके पीछे मजबूती से खड़े रहे तो हिंदुस्तान पर कौन कब्जा कर सकता है? आप क्यों ऐसी दखलअंदाजी किए जा रहे हो? और आपको क्या लग रहा है, महाराज जी को ये सारी बातें मालूम नहीं है? अगर उन्हें पता चल गया तो आपकी खैर नहीं। मैं बताऊंगा महाराज जी को, और मैं गवाही भी दूंगा, और न्याय भी मैं ही करूंगा, और उस न्याय से सभी कपटी भी भाग जाएंगे यहां से। नीरज पंची, नीरज पंत, आराम से, क्या हो रहा है? आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी। पानी लाइए, आप ठीक हो जाएंगे। रानू बेटी, आज थाली आप क्यों लेकर आई हैं? मैंने सुना कि आप कुछ खा नहीं रहे, इसलिए मैं थाली लेकर आ गई। आपकी बातों का मतलब कुछ और ही है। हाँ, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? सिंधगेड़ से पालकी आई ऐसा लग रहा है। नहीं, और फिर पालकी क्यों आएगी? हाँ, रुस्तम राव मुहिम पर गए हैं इसलिए बुरा लग रहा है। बिल्कुल नहीं, मुहिम पर तो सब लोग जाते हैं, घर के सारे लोग तो गए हैं मुहिम पर। हाँ, हमें यहाँ ठहरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो वो अधिकार भी नहीं रहा। रानू बेटी, फिर आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहिए पिताश्री, कि हम आपसे कुछ पूछे नहीं और आप हमें कुछ बताए नहीं, ऐसा चलेगा क्या? हमारे दादा साहब पर ये फैसला लेने का बोझ क्यों डाला आपने? पिताश्री, हमारा रहने दीजिए, परंतु अगर हमारे और भाई के माताश्री ने आपसे सवाल किया तो क्या उत्तर देंगे आप?
माता श्री क्यों सवाल करेंगी? उनका हम पर विश्वास है और उनके बच्चों पर भी है। पर हर बार हमारे शंभू भाई को ही परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? हम आज ही जाएंगे माताश्री से मिलने उनकी समाधि पर। कहेंगे हम माताश्री से, आपके शंभू जी मुश्किल में हैं, आप ही कुछ रास्ता निकाल दीजिए। रानू बेटी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पिताश्री, हमें सच में आश्चर्य लग रहा है कि आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं। शंभू भाई आपके उत्तराधिकारी हैं, इस बात पर सबकी सहमति होनी चाहिए थी। फिर जन्म से सिर्फ बड़े नहीं बल्कि कर्तव्य से उन्होंने ये साबित कर दिया है। रानी माँ की भी यही इच्छा थी। हाँ, और जो रानी माँ ने शंभू राजा को अच्छे संस्कार दिए हैं वो ऐसे ही नहीं है। और एक बात समझ लो राणा बेटी, कभी कभी कुछ भी ना बोलना ही अच्छा रहता है। एक चीज ध्यान में रखिए, शंभू राजा के आचरण और विचारों में स्वराज्य है। सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार महारानी जी। मैंने कहा था ना भाई, फिर ये नमस्कार क्यों? किस लिए क्यों? महारानी जी के सामने आए तो नमस्कार तो करना पड़ेगा ना। पर हमारा रिश्ता अलग है। परंतु यहाँ संभल कर बोलना पड़ता है। आप स्वराज्य की महारानी जी हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? अब बोलने जैसा क्या रहा है? जो बोलना है उसी का मन में अब डर लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ सुनने में आया है। हमारे मुख से ऐसे शब्द कभी कभी निकल ही नहीं सकती, कोई संभावना नहीं है। एक ही समय चार चार शत्रुओं से लड़ने जैसा है, परंतु एक ही सिंहासन के दो कैसे हो सकते हैं? किसने कहा है ऐसा? रायगढ़ का सिंहासन अभी भी मजबूत है। परंतु बात तो कुछ और ही सुनने में आ रही है। महाराज जी के स्वराज्य पर, सिंहासन पर लोगों की भावनाएं हैं, श्रद्धा है, ये सब मालूम होते हुए भी किसी को ऐसा सोचना चाहिए क्या? ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर रहा तो फिर अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। महाराज जी दक्षिण मुहिम की तैयारी कर रहे हैं। दक्षिण की विजय हमारी ही रहेगी, इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो फिर महारानी जी आप कहां रहेंगी? मतलब रायगढ़ पर या फिर दक्षिण में? हम यही रहने वाले हैं किले पर, बाल राजा के लिए यही योग्य होगा। और फिर युवराज जी का क्या? उनके लिए क्या योग्य है क्या अयोग्य है? युवराज अब बड़े हो गए हैं, समझदार हैं, वो खुद का ख्याल खुद रख सकते हैं। परंतु माता के लिए वो बच्चे ही हैं, और मेरे अनुसार एक माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बाल राजा हमारे हैं, सगे हैं, भोसले के वारिस हैं, मोहिते के नाती हैं, और आपको उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। हमारा किसी के ऊपर से भी ध्यान हटा नहीं है, कुछ नजरअंदाज नहीं किया, दोनों भांजे हमारे ही हैं। हम आपसे क्या कहना चाहते हैं ये आपको समझ में नहीं आ रहा? हम कहना समझ में आ रहा है। जो सोच हमारे मन में आएगी ही नहीं, उसकी शुरुआत भी नहीं होगी कभी भी।
महारानी जी, अलग अलग जाति के धर्म के लोगों को मिलाकर एकता क्या होती है ये बताया है। महाराज जी ने नजदीक के सरदार और सैनिक की एक ही जोड़ी बनाई, एकता का मतलब समझाया है। जिस स्वराज में एकता का बीज बोया है वही जहरीला पौधा हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। शायद आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे होंगे महारानी जी, तो महाराज जी को देखकर आप ये विचार रोक दीजिए। परंतु जो भी हो ये विचार आएगा ही, आप राजा राम राजा के मामा हैं। हम भीर मामा जी के भांजे दो हैं। रानो दीदी, अब इस बारे में कितना सोचेंगे हम। जब से ये सब सुनने में आया है जान निकली जा रही है। शंभू राजा जी की चिंता हो रही है, उनका गुस्सा तूफान की तरह है, और शांत रहे तो मंदिर की दिए की तरह। इसलिए चिंता हो रही है शंभू भाई की, पता नहीं भैया क्या सोच रहे होंगे। वो बहुत भोले हैं, किसी ने भी उनके साथ बुरा बर्ताव किया तो भी वो मन में नहीं रखते, बुरे को अच्छा समझकर मन से नहीं लगाते। धाराव, ऐसा लग रहा है जैसे राजगढ़ पर जाए माताश्री के समाधि के सामने बैठे। बहुत याद आ रही है। याद तो हमेशा ही आती रहती है, परंतु आज भाई जी के लिए कुछ ज्यादा ही आ रही है। ऐसा लग रहा है माताश्री की गोद में जाकर बहुत रोए हम। मन हल्का कर ले धराव। वो माँ आप बच्चों पर बहुत जान देती है, इसलिए आप बहन भाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक को दुख हो तो दूसरे को दर्द होता है। बिटिया, शंभू जी के दुख उन्हें समझ ना आए तो और कौन समझ पाएगा। जब माताश्री गई तब हम बहुत छोटे थे। हाँ, परंतु हमारे शंभू जी कहां बड़े थे। माता सतवाई जी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि बचपन में ही समझदार हो जाइए, और वो वैसे ही हुए। बहुत सहा है हमारे बच्चे ने, बहुत सहा है, पर अभी स्वराज के छांव से बिल्कुल भी बाहर निकलना नहीं है। जिस किसी को अपना हिस्सा चाहिए वो कहीं और जाए, खुशी से जाए। हाँ, हमारे शंभू भाई मतलब रायगढ़ की शान है। हम कहने वाले हैं शंभू भाई से, जो मिल रहा है उससे समझौता ना करें। ये समय ऐसे बर्ताव करने का नहीं, ये समय हक जताने का है, और भाई को रायगढ़ ही मांगना चाहिए। आपको क्या लगता है ये सुरानी, दादा साहब के मन में क्या हो सकता है। उनके मन की बात वे ही जानते हैं। ऐसा होता है क्या, आपके पति के मन में क्या है ये आपके अलावा और किसे मालूम होगा। धराभुआ, हम जितना युवराज को पहचानने की कोशिश करते हैं ना, युवराज हमें उतने ही अलग दिखाई देते हैं। मतलब रानू दीदी, मतलब शब्दों में कैसे समझाएं हम। परंतु बाल राजा जब उनसे पूछ रहे थे कि बंटवारे का मतलब क्या है, उस
उस समय जो जवाब उन्होंने दिया ना, वो सुनकर हम बिल्कुल हैरान रह गए। क्या कहा युवराज जी ने? उन्होंने बाल राजा को सीख दी, प्यार की सीख, ममता की सीख, एकता की सीख। और इसीलिए हमने सोचा है कि हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, उनका निर्णय है वही ले लेंगे। पिताश्री ने उन्हें समय दिया है ना, और हमारा क्या है? युवराज की हां में ही हमेशा हमारी हां रहती है। माफ कर दीजिए माताश्री, परंतु यह बात हमें समझ नहीं आई, क्यों किया आपने ऐसा? आपने कुछ कहा नहीं, परंतु हमें जो समझना था वो समझ लिया, सारी बातें समझ में आ गई, और वो पसंद नहीं आया हमें। कौन सी बातें समझ में आई आपको? आप माता तुलजा भवानी की टोकरी लेने आगे नहीं आई, माताश्री तबियत खराब होते हुए भी आप पिताश्री के पास गईं, और बंटवारा रोक दीजिए कहा आपने, क्यों गई आप? शंभु राजा, माताश्री आप शांत रहती हैं, माताश्री हमारे होते हुए क्यों चिंता करती हैं आप? स्वराज्य की कितनी चिंता है आपको, पिताश्री की चिंता, हमारी चिंता, इतनी चिंता मत कीजिए, सच कह रहे हैं हम, माताश्री आप चिंता ना करें। परंतु मत भूलिए कि महाराज ने आदेश दिया है। और वे पीछे नहीं हटने वाले हैं, यानी कि बंटवारा होना ही है। हाँ, बंटवारा तो होगा ही, और अब हमें मांगना ही पड़ेगा। आपको स्वीकार है क्या? माताश्री आप चिंता मत कीजिए, हम समर्थ हैं ऐसी चीजों के लिए। और अगर आपको मांगना है तो क्या मांगेंगे आप? माताश्री इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं है, परंतु आज सोचेंगे, आज मतलब अभी, क्योंकि अभी हम पिताश्री से ही मिलने जा रहे हैं। जा रहे हैं? अब हम क्या कह रहे थे? कुछ भी मत कहिए आप, आप निश्चिंत रहिए। माताश्री आपने आशीर्वाद नहीं दिया? सुखी भव। हमें लग रहा था यशस्वी हो ऐसा कहेंगे आप। हाँ, क्योंकि पिताश्री से हम जो कहने वाले हैं उसी में यश मिलना चाहिए, परंतु आपने सर पर हाथ रख दिया, उसी में सब कुछ आ गया, है ना? अगर आपका आशीर्वाद रहा तो रायगढ़ हमेशा खुश रहेगा। रायगढ़ खुश होगा? इसका अर्थ यह है कि शंभु राजा रायगढ़ ही मांगने वाले हैं। महाराज, क्या होगा अब? राजकुमार का क्या फैसला होने वाला है? सारे किले का उनके फैसले की ओर ही ध्यान है, किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा। बड़ी रानी साहिबा तो किसी से बात ही नहीं कर रही हैं। राणूबाई, बाल राजा, बहुरानी, सबके सब डर गए हैं महाराज। हमें भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है महाराज, और आपने भी उन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। इतना बड़ा फैसला हमारा बच्चा कैसे ले पाएगा? रानी जी, सिर्फ सोचते हैं तो भी ऐसा लगता है मानो शरीर में आग लग गई हो।
रानी माँ की याद आती रहती है, उनकी सोच, उनके फैसले, उनका प्रेम, उनका अनुशासन, रानी माँ की सारी बातें याद आती हैं हमें। मन में बहुत सारे विचार आते हैं, ऐसा लगता है कि क्या यही वो स्वराज्य है जिसका सपना रानी माँ ने आपके साथ देखा था? क्या इसी स्वराज्य के लिए आपने खून को पानी की तरह बहाया? हमारे सैनिक, सरदार, रिश्तेदार सबने स्वराज्य के अलावा किसी चीज के बारे में सोचा नहीं, उन सबने बलिदान दिया। महाराज, उस स्वराज्य का बंटवारा हो ऐसा मन में आया भी कैसे, कहां से आया? उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। विषय को बदलिए मत, आपको सबका साथ पसंद है ये हम जानते हैं। नहीं महाराज, ये आप नहीं बोल रहे, ये भाषा आपकी नहीं है। आपको सबका साथ कितना पसंद है ये हम जानते हैं। आपको एकता पसंद है, अपनों के लिए जान देना पसंद है। महाराज, स्वराज आपके लिए आपके कलेजे जैसा है, उस कलेजे के दो टुकड़े कैसे होंगे? और अगर ऐसा हुआ तो ये स्वराज स्वराज नहीं रहेगा। वैसा कुछ भी नहीं होगा, और आप ऐसा सोचिए भी मत। मन में तो विचार आता ही है ना महाराज, एक बात कहूं, निर्णय लेने के लिए थोड़ा समय दिया तो चलेगा क्या? वो संभव नहीं है। बस कुछ दिनों के लिए रुक जाइए ना, परसों अष्टमी है, किले पर माँ भवानी की पालकी आई है। हमारा ये रिवाज है, जब भी पालकी आती है हम दान धर्म करते हैं, नैवेद्य करते हैं। रानी माँ खास पूजा करवाया करती थी, हवन किया तो चलेगा क्या? पुतला रानी जी, आपको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, आपकी श्रद्धा है, आप चाहती हैं वैसा ही होगा। तो फिर देखिए, पूजा होने के बाद हमारा ये संकट जरूर टल जाएगा, माँ भवानी सब ठीक कर देंगी। हम पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। जगदम्बा।